वेल, बिग बॉस सीजन 16 की अब शुरुआत जो है फॉरकास्टिंग होनी शुरू हो चुकी है. अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच किया जा रहा है इस शो का हिस्सा बनने के लिए, और इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज़ ने ऑलमोस्ट उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी अब साइन करने के कगार पर आ चुका है. टॉक्स फिलहाल शुरू है, और जैसे ही उनके बीच जिस तरीके से बातें हो जाएंगी, कि भले वो फीस के रिलेटेड हो या टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड हो, जैसे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद जो है हमें कंटेस्टेंट्स मिल जाएंगे 16th सीजन ऑफ बिग बॉस के लिए. वेल, इसमें एक बहुत ही बड़ा नाम हमें देखने मिल सकता है, और वो है शाइनी आहूजा का. वेल, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग अगर शाइनी आहूजा इस शो में आए तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ है हो रहा. आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक. वेल, शाइनी आहूजा की अगर बात करें तो उनका करियर काफ़ी तगड़े तरीके से शुरू किया गया था. उनका करियर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी लग रहा था. बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ वो देते हुए नजर आए, और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी. काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें प्यार मिल रहा था. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के साथ 2006 में उन्होंने डेब्यू किया. भले वो गैंगस्टर हो, वो लम्हे हो, लाइफ इन अ मेट्रो हो, ऐसे कई सारे हिट्स उन्होंने दिए, लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके से जो एक रेप एलिगेशन लगा उनके मेड की तरफ से, उसके बाद से ही उनके करियर का डाउनफॉल जो है कम्प्लीटली शुरू हो जाता है. भूल भुलैया में लास्ट टाइम वो देखे गए थे किसी मूवी में अलॉन्ग विद विद्या बालन एंड अक्षय कुमार. इस मूवी में शाइनी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कहीं पे भी वो नज़र नहीं आए. लाइमलाइट से भी दूर रहते हैं, ना मूवीज़ में आते हैं, ना कोई उन्हें मूवीज़ में एक्चुअली कास्ट भी करना चाह रहा था उस वक्त. और अभी जो है इस तरीके से खबरें आ रही है. वैसे कई पिछले सीजन्स में भी ऐसा हुआ है कि शाइनी आहूजा का नाम आया, लेकिन शाइनी उस टाइम हमें वो सीज़न में नहीं दिखे. लेकिन शायद हो सकता है इस सीज़न में हमें शाइनी आहूजा दिखे, क्योंकि फिर एक बार उन्हें इस सीज़न के लिए अप्रोच किया गया है, इस तरीके से खबरें आ रही है. और हो सकता है कि जो है शाइनी आहूजा इस शो को करे. फिलहाल उनके और चैनल के बीच टॉक्स चल रहे हैं, मेकर्स के बीच जो है टॉक्स चल रहे हैं, और अगर सारी चीज़ें सही तरीके से पैन आउट हो जाएंगी तो ये उनके लिए एक अच्छा कमबैक हो सकता है. क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया है, अभी बातें की जा सकती है. मेन टू करके मी टू भी है, सो विमेन मेन किसके ऊपर भी कोई भी हरासमेंट या कोई गलत एलिगेशन लगे, हर एक पर्सन अपने लिए स्टैंड ले पाया है थैंक्स टू द सोशल मीडिया. लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो इस तरीके से भी लोगों को जानने में आई एम श्योर इंटरेस्ट होगा कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था शाइनी आहूजा के साथ, कितने गिल्टी थे या फिर नॉन गिल्टी थे, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता. बट शायद पता चल सकता है हिज साइड ऑफ द स्टोरी. सो आई थिंक ऑडियंसेस वुड वांट टू वॉच हिम, और इसी के चलते शायद शाइनी आहूजा को साइन कर दिया जाएगा. इस तरीके से खबरें आ रही है. क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? वुड यू वांट टू सी शाइनी आहूजा इन सीजन 16 ऑफ बिग बॉस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई विल सी यू गाइस सून.